नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके स्टिचिंग में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बेस्ट कोट की कटिंग आपको बताने वाला हूं, जो कि 3 पीस होता है। तो उसकी आज आपको कटिंग बताने वाला हूं। तो इसकी नाप आपको मैं बता देता हूं, 27.5 इंच इसकी लंबाई है, 34 इंच इसकी चेस्ट है छाती, और 28 इंच इसकी कमर है, और 35 इंच इसकी हिप है, और 17 इंच गला। इस नाप के अकॉर्डिंग आपको मैं वेस्ट कोट की कटिंग बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना, ताकि आपको जानकारी का पूरा अच्छे तरीके से पता लग जाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस कपड़े को जो उल्टा भाग होता है उसे ऊपर की तरफ कर कर आपने बिछा लेना है, और जो कन्नी का जो भाग होता है, एक जो ये कपड़ा हमारा कन्नी है, वो हमारे से दूसरी साइड को और रखनी है, और इस तरह से आपने बिछा लेना है इसे अच्छे से। तो दोस्तों, इस तरह से आपने कपड़े को सीधा कर लेना है, और सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्का लगाएंगे हम, यहाँ से स्ट्रेट मार्का लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आपने एक स्ट्रेट मार्का लगा लेना है दोस्तों। स्ट्रेट मार्का लगाने के बाद दोस्तों, हमारी लंबाई है जैसे 27.5 इंच, 27.5 इंच है, तो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। 27.5 और 1.25 इंच एक्स्ट्रा हो गया 28.25 इंच। तो हम यहाँ से 28.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और इसकी जो चेस्ट है वो है 34 इंच। तो इस निशान से, ये ऊपर का निशान है, इस निशान से हम चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है 8.5, तो यहाँ से 8.5 पे निशान लगाएंगे, और कमर का निशान लगाएंगे हम 16 इंच पे यहाँ से। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इन तीन निशानों को हम बिल्कुल सीधा निशान कर लेंगे, बिल्कुल सीधा इसे कर लेते हैं इस प्रकार। दोस्तों प्लीज़, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, अगर आपको एंड तक देखकर अच्छी लग गए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस कोट की कटिंग का पता चल सके। तो सबसे पहले इस तरह से आपने निशान लगा लेना है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों सबसे करना क्या है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये हो गया हमारा तीरे का निशान, जो हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन करते हैं इसमें। तो आपने यहाँ से इसे इस तरह से सीधा कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों हमारी चेस्ट है, जैसे चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो 34 का 8.5 चौथा हिस्सा होता है 8.5, तो आपने इस प्रकार यहाँ से निशान लगा लेना है, और 2.25 इंच एक्स्ट्रा। और फिर दोस्तों हमारी जो कमर है वो है 28 इंच, तो चेस्ट है हमारी 34 इंच, कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा हो गया 7 इंच, और 2.25 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से भी दोस्तों हमारा जो हिप है वो है 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा होता है 1.25 इंच, 1.25 इंच, और 2.25 इंच एक्स्ट्रा। अब दोस्तों सबसे पहले इस निशान को हम उठा लेंगे, इस निशान को दोस्तों फट्टी को कुछ इस प्रकार रखना है। एक तो फट्टी इस प्रकार रखी जाती है, पर इसमें इस प्रकार फट्टी को रखना है, और इस निशान तक यहाँ से मिला देना है, यहाँ से हो गया। और अब दोस्तों इस निशान को इस तरह से फट्टी घुमाते हुए इस तरह से हम मिला देंगे, यहाँ से इस तरह से। अब दोस्तों करना क्या है, जो तीरे का आपको बता दिया 1.5 इंच मैं डाउन करता हूँ, तो यहाँ से 8.5 है, तो यहाँ से आपने यहाँ तक देखना है, 8.5 होना चाहिए, और इससे सीधा कर लेना इस तीरे के निशान को। इस प्रकार आपने यहाँ से सीधा कर लेना है,
और दोस्तों अब यहाँ से अंदर की तरफ पौना इंच अंदर की तरफ, यहाँ से पौना इंच अंदर की तरफ आपने इस तरह से एक मार्का लगा लेना है। ये हो गया। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ से गुलाई देनी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से गुलाई ही नजर आएगी आपकी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से गुलाई देना है। और दोस्तों अब आपने करना क्या है, गले का, हमारा गले का जो निशान लगता है वो चेस्ट का, जो चेस्ट का होता है 15वां हिस्सा होता है, और उसे भाग करेंगे 15 तो 2.8 इंच रहेगा, 8 सूत यहाँ से, और 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हमारा लगभग यहाँ से 4.25 इंच तक हो जाएगा। यहाँ से 4.25 हो गया। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ से 1/4 इंच, यहाँ से 1/4 इंच तक ये निशान को इस तरह से आपने शेप दे देनी है। अगर आप सीधा रखना चाहते हो तो यहाँ से सीधी शेप दे देनी है, अगर आप यहाँ से गुलाई में रखना चाहते हो थोड़ी, तो यहाँ से गोल शेप दे देनी है। अब दोस्तों आपने यहाँ से इस निशान से इस तरह से शोल्डर को भी डाउन कर लेना है यहाँ तक, और यहाँ से आपने दोस्तों 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच ऊपर, एक्स्ट्रा नहीं ऊपर रखना है, और 2.5 इंच यहाँ से, यहाँ से 2.5 इंच ही रख सकते हो, 3 इंच रख सकते हो, और यहाँ से दोस्तों 2.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच। तो अब करना क्या है, इस तरह से आपने ये निशान, और इस तरह से दोस्तों इस निशान को आपने इस तरह से मिला लेना है। ये हमारी जैकेट का सामना जो है फिटिंग करने के लिए रेडी है हम इसे, तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। और अब दोस्तों हम इसकी बैक कटिंग करेंगे, यहाँ से ये बीच में से कटिंग होगा, ये भी आपने देख लेना है, यहाँ से बीच में से ये कट होगा। तो दोस्तों अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे, तो बैक कटिंग करने के लिए भी आपको एक स्ट्रेट मार्कर की जरूरत होती है, तो आपने इस तरह से एक स्ट्रेट मार्कर लगा लेना है, और इससे 1 इंच नीचे एक और निशान लगाना है आपने, 1 इंच नीचे, अब दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले इसे उठाना है, और जो 1 इंच नीचे निशान लगाया है हमने, जो 1 इंच नीचे निशान लगाया हमने, उस निशान से आपने इन तीनों निशानों को उठा लेना है इस तरह, एक निशान यहाँ पे रहना चाहिए आपका, यहाँ से यहाँ। अब इन निशानों को आपने सीधा कर लेना है दोस्तों,
निशान बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपने इस तरह से देख लेना है। यहाँ से ये निशान है 27 इंच पर, तो ये यहाँ से भी 27 इंच पर होना चाहिए। तो इस प्रकार इस निशान को आपने इस तरह से उठा लेना है। अब दोस्तों यहाँ से ये फट्टी होती है, यहाँ तक आपने जो ये कमर का निशान है उससे 2-3 इंच ऊपर तक यहाँ तक आपने एक सीधा निशान लगाना है। इस फट्टी को इसी तरह से सीधा निशान लगा लेना है। और अब दोस्तों यहाँ से 1/4 इंच, यहाँ से 1/4 इंच रखना है इस तरह से, और इस तरह से हमने शेप दे देनी है यहाँ से इस तरह से दोस्तों। अब दोस्तों ये पहले चेस्ट का निशान लगेगा, चेस्ट है हमारी 8.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा, कमर है हमारी 28 इंच, तो 7 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा। और दोस्तों हिप है हमारी 35, तो 9.25 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो दोस्तों यहाँ से हम 1 इंच, 1 या 1.5 इंच आप नीचे रख सकते हैं जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होगा, तो ये भी निशान आपने उठा लेना है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से 2.25 पे निशान लगाएंगे, इसका जो शोल्डर गिराएंगे 2.25 इंच गिराएंगे यहाँ से 2.25 ऊपर से निशान से 2.25। और अब जो गले का निशान है चेस्ट का 12वां हिस्सा और उसमें 1 इंच प्लस, तो यहाँ से हमारा बनेगा 2.8 और प्लस 1 इंच, तो हम यहाँ से अब एक बार 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपने इस प्रकार लाइन दे देनी है। और दोस्तों अब आपने यहाँ पे निशान लगाना है, तो इस तरह से निशान लगा लीजिए आप। यहाँ से इस तरह से निशान लगा लीजिए, इस यहाँ से लगाना है यहाँ तक। तो अब इसे हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार, ये हो गया हमारा 2.25 तक डाउन, इसे भी हम गुलाई दे देंगे। और दोस्तों उसी प्रकार फिर से हमने फट्टी लगानी है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ। और ये दोस्तों बैक भी हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब आपको मैं कटिंग करके इसकी भी बता देता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब हम कटिंग कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बेस्ट कोट की कटिंग बहुत ही आसान सा तरीका है, और आगे मैं इस आपको बताऊंगा अगली वीडियो में इसकी जो पेस्टिंग है वो किस तरह करते हैं, आपको स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।